आदित्य जी बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार नवजीत जी। यस सो यस सो हम अभी तक बेसिकली जो कंपनीज ले रहे थे जो थी प्रोस्पेक्टिवली अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, हमने जो भी अभी तक कंपनीज डिस्कस किए वो उनके प्रॉफिट्स वो सब देख रहे थे। तो आज की जो कंपनी है वो थोड़ी वो ट्रेंड से अलग जा रही है। आज की कंपनीज जो हम बेट करने वाले हैं उसके ग्रोथ पे। तो इस बार की कंपनी जो मैं लाया हूँ निवेशकों के लिए वो है टाटा मोटर्स। ठीक है, तो अगर ललित जी प्रेजेंटेशन अगर आप शेयर कर दें करें। सो टाटा मोटर्स ने बेसिकली आप अगर उसकी जर्नी देखो तो बेसिकली लास्ट 5-7 सालों में उसने बहुत कुछ किया है टू इवेंचुअली गेन द मार्केट शेयर ऑफ इंडिया, मार्केट शेयर विद इन द इंडियन बिजनेस, ऑटोमोबाइल बिजनेस, और जगुआर लैंड रोवर का भी एक्विजिशन किया। तो उसके साथ उसकी बहुत सारी जो जैगुआर की जो बेसिकली कैपेबिलिटीज थी वो अभी टाटा मोटर्स में फुल्ली इंटीग्रेट हो चुकी है। तो अभी और अभी आप उसके नए मॉडल्स देखेंगे, हैरियर देखेंगे या जो भी नई नई कार्स देखेंगे तो काफी अच्छे से इंटीरियर वाइज, एक्सटीरियर लुक वाइज वो सब भी वो बहुत सारा अच्छे से उसने इंटीग्रेट कर लिया है। तो अभी टाटा मोटर्स इज राइप फॉर गेनिंग a big market share in the Indian automobile industry. तो अगर थोड़ा उसका business अगर हम समझे तो ये है। So broadly Tata Motors की चार group basically उसका अगर business को समझना है तो commercial vehicle है, passenger vehicle है, Land Rover उसका पूरा है जिसमें हम Jaguar cars, Land Rover, Range Rover cars आती है, that's the entire Jaguar division, and the fourth division being Tata Motors Finance. तो commercial vehicle में तो उसने अपना position सालों से बहुत अच्छा बढ़ा दिया है। जैसे आप कभी भी कोई ट्रक देखोगे तो ब्रॉडली टाटा का आपको ट्रक बहुत फ्रीक्वेंटली दिख जाएगी कंपेयर टू उसके पैसेंजर व्हीकल्स। ठीक है, तो बेसिकली कॉमर्शियल व्हीकल्स में तो वो है ही, अब पैसेंजर व्हीकल्स में और मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इट इज गोइंग टू डू वंडर्स। तो अगर उसका बिजनेस अगर हम समझे तो बिजनेस में अगर बोलूंगा तो ऐसा नहीं है कि पास परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा है, इट्स अ रीसेंट परफॉर्मेंस। अगर हम FY22 का अगर हम बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी रेवेन्यू उसके लैंड जगुआर लैंड रोवर से आती है विच इज अ प्रीमियम सेगमेंट कार, तो वहां से उसका ग्लोबली रेवेन्यू आता है। कॉमर्शियल व्हीकल उसका दूसरा बड़ा सेगमेंट है, उसके बाद पैसेंजर व्हीकल्स है और अदर्स में फाइनेंस और वो एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल छोटी चीजें होती है वो आती है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू अगर वैल्यू वाइज देखोगे तो 2,78,000 करोड़ है, और अगर हमको तो देखना है कि प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना है वो हमारा मेन वो है, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो उसका एबिटा मार्जिन ही 10% के आसपास है और बेसिकली उसके इनडायरेक्टली अगर हम प्रॉफिट बिफोर देखे तो लॉस है। तो ये इसीलिए ऑन अ हिस्टोरिक बेसिस द कंपनी इज डूइंग ओके रिलेटिव टू अदर सुपर प्रॉफिटेबल कंपनीज, जैसे हम अगर मारुति है उसके सेगमेंट में हुंडई और सबकी बात करें तो। बट वॉट अगर हम उसका थोड़ा पहले ब्रीफ समझे तो उसका जो ग्रोथ रेट है पैसेंजर व्हीकल्स में ब्रॉडली, क्योंकि कॉमर्शियल में तो वो उसने अच्छे से कर ही लिया हुआ है, पर अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स में देखें तो वो 90% से ग्रो कर रहा है। और ये ट्रेंड लास्ट 2 सालों से, चलो कोविड अगर इफेक्ट निकाल दे और थोड़ा ये जो चिप शॉर्टेज का जो इश्यू है वो अगर निकाल दे तो ब्रॉडली इसने पैसेंजर व्हीकल में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है। अगर उसके अगर मार्केट शेयर देखें तो बेसिकली ये मीडियम एंड MH मतलब मीडियम हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं बेसिकली, जो 20-25 टन के जो ट्रक होते हैं वो, तो उसमें आप देख सकते हो कि आप देखो कि इंडिया में उसने वो तो पूरा डोमिनेट किया हुआ है, 50% से ज्यादा उसका मार्केट शेयर है। ये जो IL होता है बेसिकली इंटरमीडिएट लाइट व्हीकल्स होता है वो 9-10 टन वाले व्हीकल्स होते हैं, तो उसमें भी ब्रॉडली उसने कॉमर्शियल व्हीकल में उसका जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये SCV मतलब वो स्ट्रॉन्ग कॉमर्शियल व्हीकल जो अपनी प्राइमा जैसे जो स्मॉल ट्रक्स आती है वो रहती है, ये बसेज में तो ऑलमोस्ट 40-45% के रेंज में उसके क्या बोलते हैं मार्केट शेयर बिजनेस में है, और वो कंसिस्टेंटली उसको होल्ड भी कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई नया एंट्रेंट आ गया और अपनी पोजीशन लूज कर रहा है, ब्रॉडली उसने अपनी मार्केट शेयर बढ़ा के रखी। तो यहाँ से तो वो ग्रोथ वॉल्यूम्स है, अगर हम इसके वॉल्यूम इन यूनिट टर्म्स देखें तो आप देख सकते हैं कि FY21-22 ये सब पूरा कॉमर्शियल व्हीकल्स का ही हम बात कर रहे हैं, तो 241 से 322, तो इसमें भी एक बहुत अच्छा ग्रोथ आया है 36% का।
सिमिलरली अगर हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, रिटेल की बात करें, तो उसमें भी उस अच्छा 53% ग्रोथ आया है। तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू सामने ऐसा है कि प्रीवियस ईयर कोविड अफेक्टेड था, तो सेल्स रिलेटिवली लो बेस वैल्यू भी हो सकता है, बट एज अ होल कमर्शियल व्हीकल्स एज पिक अप, तो वो तो वहां से तो उसकी रेवेन्यूज आ रही है। अभी जो बात मेन जो डिस्कशन और जो रीजन है जहां से उसका नए प्रॉफिट्स और नया ग्रोथ आने वाला है, वो है पैसेंजर व्हीकल्स। तो पैसेंजर व्हीकल्स में आप देख लो कि ब्रॉडली ईयर ऑन ईयर उसने 46% ग्रो करने का वो ग्रो कर रहा है। सिमिलरली रिटेल में वो 44% कर रहा है। ये सब डोमेस्टिक की बात कर, बेसिकली रिटेल डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। तो आप देख, और आपको नेक्सॉन वो जो उसने सेफ्टी वाइज जो नए मॉडल्स लाए हैं वो ऑलरेडी मार्केट्स में दिख रहे हैं। तो ये उसका बेसिकली डोमेस्टिक मार्केट से अगर हम सिर्फ लास्ट 3 साल की बात करें तो 4% से 12% हो गया बिकॉज ऑफ न्यू गुड कार्स बेसिकली, तो और ईवी कार्स। तो ये एक मार्केट शेयर ग्रोथ दिख रहा है और वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसका अभी मे का हम परफॉर्मेंस देखें, ईयर का तो हमने देख लिया, अब मे का परफॉर्मेंस देखें तो भी से ईयर ऑन ईयर डोमेस्टिक सेल्स उसका बहुत ही अच्छा रहा है। सिमिलरली उसकी सब टाइप की कार्स का भी सेल्स देखें तो आपको एक आइडिया रह सकता है। एक्सपोर्ट्स हैव रिड्यूस बट ब्रॉडली डोमेस्टिक इज डूइंग रियली नाइस फॉर इट। अब हम बात करते हैं जो स्पेसिफिक वहां जहां से ज्यादा ग्रोथ आने वाला है, वो है ईवी। तो आप ईवी में देख सकते हो वो 600% पे ग्रो कर रहा है। ऑफ कोर्स मार्केट बहुत छोटा है इसलिए 600% शायद बड़ा है, पर उसका अगर हम मार्केट शेयर देखें तो आप देख सकते हो कि अभी तो वो ऑलरेडी 87 के आसपास मार्केट शेयर पे है, क्योंकि बहुत कम कंपनीज इसमें है जो है वो काफी प्रीमियम कंपनीज बेसिकली MG है वो सब है। पर अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर ऑफकोर्स प्राइस थोड़ा ज्यादा है, पर एट अ बेसिक लेवल ईवी सबसे ज्यादा मॉडल्स के साथ इसने लॉन्च की। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज वो है कि जब ईवी पिक्स अप और उसके प्राइसिंग और वो सब थोड़ा और अफोर्डेबल होंगे तो इसके पास एक अच्छा हेड स्टार्ट होगा 3-4 साल का, जिसमें उसने ऑलरेडी सेल करके परफॉर्मेंसेस देख लिए। तो जब हम कार्स में यूजुअली कैसे होता है, रेकमेंडेड नहीं होता है। मैं लवीजी जी आपसे पूछूंगा आप कौन सा कार चला रहे हो, आप बोलोगे मैं नेक्सॉन चला रहा हूँ, उन्होंने कैसा है, आप बोलोगे अच्छा है तो आई विल बाय इट। सो दैट्स हाउ इट यूजुअली फॉर द कॉमन ब्रॉडर मासेस, दैट्स हाउ इट वर्क्स स्पेसिफिकेशन से कि हाउ इट। तो वो उस ऑलरेडी प्रेजेंस होगा, तो कल उठ के अगर मारुति या हुंडई अपने ईवी कार्स, हुंडई ने तो थोड़े ला दिए, पर मारुति अपने अगर फुल ईवी कार्स ला रहे हैं तो उसको वो जो गैप है 3 साल का जो हेड स्टार्ट, वो उसकी वजह से जो चर्निंग ग्रोथ का है ईवी व्हीकल्स में सेल्स का, वो उसको दिखता ही जाएगा। और अगर हम बात करें तो अभी उसने सानंद में जो फोर्ड का प्लांट था वो भी ले लिया है, तो वहां से भी और 3 लाख कार्स बन, 3 से 4 लाख कार्स बन सकती है। तो उसने पूरा प्लांट ले लिया है, तो वहां से भी वो अपना प्रोडक्शन से वो लिमिटेड नहीं है, अब उसको सिर्फ ग्रोथ करना है। तो अगर हम उसका थोड़ा अदर चीज देखें कि क्या है, ऑलरेडी 25,000 ईवीज ऑलरेडी आर ऑन रोड। अभी उसने वो दिल्ली में ब्लू स्मार्ट है तो उसके साथ जो बेसिकली उबर की तरह काम करता है, तो उसके साथ उसने 10,000 ईवीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ईवी फ्लीट का। तो ईवी फ्लीट पूरा टाटा का ही कार्स होते हैं। FY22 की स्पेसिफिक बात करें फ्रॉम R&D, बिकॉज इन केस ऑफ दिस R&D इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑलरेडी 125 पेटेंट्स उसने अप्लाई किए हैं और ऑलमोस्ट 56% उसको मिले हैं। तो बेसिकली वो ईवी में जो अच्छे से काम कर रहा है, जो हिसाब से वो काम कर रहा है, तो वो ग्रोथ आने वाला है। अभी इफ यू आर अ पेशेंट इन्वेस्टर जिसको अभी एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है एंड ही वॉन्ट्स टू बाय, तो वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो वेट कि जब प्रॉफिट्स दिखने हैं, बिकॉज जैसे ज्यादा प्रॉफिट्स दिखना शुरू हो जाएंगे फिर वो काफी जल्दी से भागेगा, तो तब चांस मिले ना मिले। यहाँ ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में तुरंत आपको मिल जाएगा, बट लाइक अगर इस प्राइस पे उसको ऐड करना चाहते हो, थोड़ा पेशेंस रखना चाहते हो, तो ये अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ये बहुत सारे रीजन और बहुत सारी चीजें जो बताई हैं आदिश जी ने कि बढ़िया तेजी से चल रहा है ईवी सेक्टर का, सेगमेंट का लीडर बन गया है टाटा मोटर्स। तो कई सारी चीजें और वो इम्पोर्टेंट चीजें जो मेरे लिए टेक अवेज हैं, जो हाइलाइट्स हैं, जो आप समझ सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल का तो लीडर था ही, उसमें तो अनडिस्प्यूटेड लीडर था कि आपको हर ट्रक जो है वो टाटा का मिलेगा, बसें आपको जो है वो टाटा की दिखती थी और वो सारी चीजें कमर्शियल में, बस ट्रक समझ लीजिए मेजरली टाटा का ट्रक, वहां से लेकर के कंज्यूमर जो वो वाले पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं उसमें इंडिका वगैरह और वो टैक्सी और उस तरीके की चीजों में चलती थी,
लेकिन बहुत ज्यादा कंज्यूमर घरों के हिसाब से और वाला फैमिली और वाला पर्सनल उस पर उतना नहीं था, लेकिन इधर पिछले कुछ सालों के अंदर में इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है और ऐसे ऐसे मॉडल्स जो टाटा ने लॉन्च किए हैं अल्ट्रोज और वाला इस तरीके के जबरदस्त मॉडल्स हैं, बढ़िया प्राइस पॉइंट है, बढ़िया डिजाइनिंग है, बहुत सारा कुछ अपग्रेड किया है और उसके चलते ये वाला भी व्हीकल जो कि हैचबैक से लेकर के और सेडान से लेकर के ये वाला सेगमेंट है उसमें भी बढ़िया कैप्चर किया है टाटा ने मार्केट को, तो वो वाली चीजें वो एक चीज। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जबरदस्त स्पीड पकड़ी है, कोई भी बराबर आसपास है नहीं उस सेगमेंट में, एटलीस्ट नहीं है, तो जो बाकी है वो प्रीमियम सेगमेंट के हैं जिसमें किया है या जो एमजी है और उस तरीके की कंपनीज हैं। इंडियन कंपनीज में सिर्फ या तो महिंद्रा है इनके कंपटीशन में, लेकिन महिंद्रा की गाड़ियां उतनी सक्सेसफुल या उस तरीके से उतना रेंज नहीं है क्योंकि डिजाइन और वाली चीजें शायद उतना लोगों को अपीलिंग नहीं लगी, लेकिन इन्होंने जो अपीलिंग डिजाइन थी ऑलरेडी पेट्रोल और डीजल मॉडल में टाटा नेक्सॉन स्पेशली उसको और उसके अलावा अल्ट्रोस वगैरह जो इनकी हैचबैक हैं जो अच्छे चल रही थी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी उसका वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं, बढ़िया तेजी के साथ में लीड कर रहा है उसका फायदा। कुछ एक चीजें जो आदेश जी कह रहे हैं जहाँ पे कि वो बड़ा परसेंटेज जो सेल्स का है वो इसलिए मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि आदेश जी बेस बहुत लो था, बहुत छोटा है वो, हाँ तो नहीं हाँ ये वाले ग्रोथ का भी बेस और वो वाला जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स की जो आप बात कर रहे थे वहां पे भी क्योंकि पिछले सालों के अंदर में जो लॉकडाउन और उसके चलते जो बहुत सारी चीजें जो बंद था सेल्स और वाला, तो वो भी डिफरेंस है कि इसलिए वो शायद वो वाले नंबर्स को भी थोड़ा सा विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ही लेना होगा, लेकिन अदरवाइज और जीरो से शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था नहीं, तो अब जो ग्रोथ है या केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो वो भी बहुत अलग है, लेकिन पोटेंशियल अमेजिंग है। सबको अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ सब देख रहे हैं, फ्यूल के प्राइसेस बहुत हाई हैं तो उसके भी चलते और बार बार वो बढ़ता और वाले सारी चीजें पॉल्यूशन का कॉन्शियस एक वाला चीज है लोगों को एनवायरमेंट के प्रति, तो इसलिए भी बहुत लोग इसकी तरफ देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। वो सारी चीजों का फायदा लॉन्ग रन में टाटा मोटर्स में। सर मेरे को ये बताइए कि अगर मैं आज 432 के आसपास मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे या इन लेवल्स के आसपास में खरीद, कौन क्या रेंज है जिसके बीच में मैं एक्युमुलेट करूं और क्या रेंज है टारगेट्स की जिसके लिए मैं वेट करूं? सो रेंज ऑफ बाइंग तो ये 400 से 450 वाला रेंज बहुत ही स्वीट स्पॉट है बाय ऐड करने के लिए। अगर हम बात करें कि टारगेट का, ये स्पेसिफिक में हम टारगेट इसलिए मैं नहीं दे सकता क्योंकि द वे द स्टोरी स्टिल अनफोल्डिंग, तो वो स्टोरी वो कितने जल्दी से वो अनफोल्ड करते हैं तो ज्यादा उसका प्रॉफिट्स में वो दिखना शुरू हो जाएगा, तो एक थोड़ा आइडिया आ सकता है कि क्या टारगेट प्राइस हो सकता है। बट अगर हम इसको अगर हम थोड़ा और बड़ा लॉन्ग टर्म वैल्यू से व्यू से देख रहे हैं 4-5 साल से, तो ये अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से ग्रो करवा सकता है वैसा स्टॉक है ऑटोमोबाइल में। और बेसिकली अगर हम ग्लोबल साइड से भी देखें फ्रॉम अ सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, तो अभी तक ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैव नॉट इंक्रीज फ्रॉम पूरा स्टॉक मार्केट बड़ा, पर ऑटोमोबाइल्स वर इन अ वेरी, तो उस हिसाब से भी ऑटोमोबाइल में वो आ रहे इधर इन्वेस्टर्स आर फ्लोइंग मनी अगेन, तो वो दोनों को अगर हम देखें तो ब्रॉडली विद अ व्यू ऑफ 4-5 इयर्स दिस कैन गिव यू अ गुड बेंचमार्क के सामने अच्छा रिटर्न दे सकता है। No doubt about that, sir. बढ़िया stock, Tata Motors, क्योंकि बहुत सारी चीजें और प्लस ये पूरे इकोसिस्टम पे भी काम कर रहा है, तो मुझे टाटा का ग्रुप पे जो इसलिए थोड़ा सा एक अच्छा चीज लगती है कि इन आइसोलेशन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को नहीं देख रहा है, वो उसके अलग अलग जो उसकी अपनी कंपनीज हैं टाटा की वो सब मिल करके काम कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो बैटरी पे भी काम हो रहा है, उसके केमिकल्स पे भी काम हो रहा है, उसके अलॉयज पे भी काम हो रहा है, जो सारी चीजें, तो टाटा का पूरा ग्रुप इस काम में लग गया है कहीं ना कहीं, और एक वो सिनर्जी भी दिखती है, वो उसके चार्जिंग पॉइंट्स पे भी काम कर रहे हैं, तो वो वाले भी स्टेशन वाली चीजें, तो वो पूरे इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि जब आप गाड़ी लेते हैं गाड़ी को चार्ज कहाँ करेंगे, गाड़ी की बैटरी कहाँ से लाएंगे, उसको चेंज कैसे करेंगे, रिपेयर कैसे होगा, हर चीज पे काम है और वो अमेजिंग है, तो वो इसलिए भी और लीड है कि कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड एक अश्योरेंस होता है कि जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने जाता हूँ तो मुझे पता है कि मैं लेकर के यहाँ से और ट्रेवल पे चलूंगा, तो वो बीच बीच में कहाँ पे चार्ज करना है, किस तरीके का मेरे को सपोर्ट चाहिए होगा, और वो उसके लिए भी टाटा की कंपनी खड़ी है, प्लस ट्रस्ट फैक्टर तो हमेशा होता ही है टाटा के ब्रांड के साथ में, उन सारी चीजों को देखते हुए एक बढ़िया पिक है आदेश जी हमारे लिए लेकर के आए हैं पोर्टफोलियो पिक, टाटा मोटर्स खरीदारी करके चल सकते हैं और इसको रखेंगे पोर्टफोलियो में, समय देंगे तो बढ़िया मुनाफा बनेगा। बहुत शुक्रिया आदेश जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन पिक हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।